भर में मूनसून बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके डूब गए, कई इलाकों में बिजली के निजाम भी धरम भरम। नदी नालों में तोगानी से सड़कें और गलियां तालाब बन गई। पिंडा तनखान में बारिश ने तबाही मचा दी। कोहिस्तान नमक और दरियाए जेहलम के दरमियान बसने वाले 4 लाख अफराद महसूर। 14 यूनिट काउंसिलों और 2 शहरों का रबता भी मुनकता। पानी घरों में दाखिल हो चुका। जेहलम में जेर तामीर पुल का मुतबादल रास्ता भी बह गया, सैकड़ों गाड़ियां रुक गई। लाहौर में गुलबर्ग, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, एबट रोड और लक्ष्मी चौक समेत जौहर टाउन और गिदरनवा में भी बारिशों का सिलसिला जारी। चनियोट में सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नजर 10 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड प्लेन रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। तौसा शरीफ में नालों और रोतकोहियों में शदीद तुगयानी। जनूबी वजीरिस्तान और टांग से आने वाले सैलाबी रेले से जंडोला बाजार में तबाही आ गई, दुकानों में पानी दाखिल। आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में भी बारिशें हुई, भिम्बर नाला बिफर गया। सिंध के इलाकों मटियारी, हाला, सखर, रोहड़ी और गिदनवा में भी बारिश। दादू की धामर नहर में भी 40 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। वज़ीर आला सिंध के महकमा आबपाशी को शिकाफ को जल्द से जल्द पुर करने की हिदायत। मूसलाधार बारिश से कई अफराद जान से हाथों बैठे। रहीम यार खान में मुख्तलिफ हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जहां बाग, 5 जख्मी। फैसलाबाद में छतें गिरने से 3 मजदूर जहां बाग, 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। बुनेर में 6 साल बच्चा डूबकर जहां बाग। मरी में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 9 अफराद जख्मी। मोटरवे पर नीला दुला इंटरचेंज के करीब गाड़ी को हादसा, 4 जख्मी। ताकतवर मूनसून सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज, मकानों और फसलों को नुकसान, 10 अफराद जख्मी हो गए। कोहे सुलेमान और कीरथर रेंज में मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश और आंधी ने से निजामी जिंदगी शदीद मुतासर। सैलाबी रेलों से और आंधी से दर्जनों मकान भी तबाह। तोबा अचकजई, चोबा काकड़ी, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज्यारत ने फसलों को नुकसान पहुंचा। खुजदार, सिबी, योब और मुस्लिम बाग समेत कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। पीटीएमए के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रह सकता है। आजाद कश्मीर में मूनसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चे जहां बाग, 16 अफराद जख्मी। 79 मकानात को नुकसान पहुंचा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। मुतासर घरानों को रिलीफ की फरहमी के लिए इमदादी कैंप्स कायम। भारत की आबी जारियत बगैर वार्निंग दरिया रावी और दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। पंजाब में हजारों देहात, लाखों एकड़ रकबा ज़ेर-आब। दरिया चनाब में कादराबाद बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर 40 से 55 हज़ार क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्के। दरिया रावी में निचली सतह पर सैलाब की वार्निंग, इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया चनाब में आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। दरिया रावी में जिसपर और शाहतरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश किए फासी इकदाम का हुक्म। सैलाबी सूरतहाल के खदशे के पेश नजर पेश के इकदाम के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। समीत की गिरफ्तारी से खौफ ज्यादा नहीं, डर होता तो जुडिशियल कमीशन बनाने का ना कहता। बानी भीटिया के अडियाला जेल में सहाफियों से गैरस में गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से अपील है मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाएं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से $50 लाख का नुकसान किया गया। नवाज शरीफ के इल्जाम की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाजे हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने हमारी मजीद 3 विकटें गिरा दी। नया तोशाखाना रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। मखसूस नशस्तों के मामले पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं, जुल्फी बुखारी को हिदायत दे दी हैं। तरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। फैज अहमद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा वसी, साकिब निसार हो या कोई और, मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तला'आत अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अंदरूनी तहकीकात का फौज का अपना मैकेनिज्म होता है। तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा। बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतजार की सियासत की,
तमाम साजिशों के सरगना बानी पीटीआई थे। फैज हमीद और बाकी अफसरान सहूलतकारी कर रहे थे। शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी पीटीआई का राबता बहाल था, जेल से पैगाम रसानी जा रही थी जो इंतजार फैलाएगा, इसका अंजाम यही होगा। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करने चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दों को वापस कौन लाया था, ये भी गठजोड़ था। लतीफ खोसा ने सरीना ईसा के बारे में जो कहा वो इन्हें जेब नहीं देता। पीटीआई हुकूमत में चीफ जस्टिस की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया था। शकील खान के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अली अमीन और शकील खान की व्हाट्सएप ग्रुप में तलकलामी हुई। दोनों की एक दूसरे पर करप्शन इल्जामात की बौछार। एक घंटे तक तल जुल्मों का तबादला जारी रहा। शकील खान ने वजीर आला को बाइख्तियार ना होने का ताना भी दिया। तलकलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप में ही वजीर आला को इस्तीफा दिया। वजीर आला ने शकील खान को जवाब दिया, पहले ही से आपको फारिग किया है। दीगर वुज़रा और अराकीन असेंबली की मुदाखलत पर दोनों ने मैसेजेस डिलीट कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुस्ताफी वजीर शकील खान अली अमीन हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। हुकूमती कारकर्दगी पर एतजाज उठा दिए। ट्वीट में लिखा, कभी नजरिया पर कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सच्चाई कौम के सामने रखूंगा। लगता है सूबे में हमारी हुकूमत है लेकिन निजाम कोई और चला रहा। एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। ये जंग मेरी अकेली नहीं बल्कि इस सूबे की जंग है। सूबे से जो भी गद्दारी करेगा इससे बेनकाब करूंगा। सूबे में लूट मार करप्शन और बदनामी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। साबिक वज़ीरे आला परवेज खट्टक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था जिस पर मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कि कौन सच्चा और कौन झूठा था। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। रऊफ हसन की सेक्रेटरी इतलात की जिम्मेदारियां निभाने से माजरत। कहा, सेहत की खराबी और जाती मसरूफियात के बायस मजीद जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मरकजी क्यादत ने कुछ रोज मजीद काम करने के लिए वक्त मांग लिया। रऊफ हसन की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की कोशिशें। शेर अफजल मरवत की आखिरकार बानी पीटीआई से मुलाकात हो ही गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगु में कहा, 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। बानी पीटीआई से वही चेहरे मिलते हैं जो जाति मफादात और अकराब बापरवाही करते हैं। मेरे मामलात सुलझ गए तो बानी पीटीआई मुझे एहतजाज करने का कहेंगे। सब जानते हैं मुझसे ज्यादा मौसर एहतजाज कोई नहीं करा सकता। मेरा काम ही एहतजाज कराना है। आज हम मोर्चों में बैठकर हवाई फायर कर रहे हैं। मौसर एहतजाज नहीं हो रहा। 22 अगस्त को इस्लामाबाद जलसा का कामयाब न हुआ तो फिर मैं इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दूंगा। मुल्क में अब तक मंकी पॉक्स के 11 केसेस सामने आए। एक मरीज इंतकाल हुआ है। 90 से 95% मरीज खुद ही सेहतयाब हो जाते हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुखार, जिस्म में दर्द, गदूदों का भर जाना मंकी पॉक्स की अलामत। किसी भी अलामत जाहिर हो तो उसे आइसोलेट होना चाहिए। एम पॉक्स से मुतालिक वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अफ्रीका और यूरोप से आने वाले शहरी पहली तरजीह में रखने का फैसला। कराची के अस्पतालों में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा सेहत ने 6 हॉस्पिटल्स मंकी पॉक्स मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए। तमाम हस्पतालों में मरीजों को करंटीना करने के इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। मंकी पॉक्स के हवाले से मुल्की एयरपोर्ट्स पर कड़ी निगरानी जारी। इस्लामाबाद, कराची और पिशावर एयरपोर्ट्स पर खसूसी इंतजाम। डीजी हेल्थ केपी का इंटरनेशनल अराइवल लॉन्च में वाकई करंटीना का दौरा। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए इंतजाम और प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया। मुल्क में खुद निसारी पर मबनी मौशी तरक्की के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। नायब वज़ीरे आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत 7 रुकनी कमेटी कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन डर्कन की तजवीज़ करदा मौशी प्लान का जायजा लेगी। कमेटी में वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर इक्तसादी अमूर, वजीर इत्तला'आत, वजीर मुमलिकत रेवेन्यू और तवानाई भी शामिल। SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी कमेटी अरकान का हिस्सा। कमेटी मौशी प्लान के मसौदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। बरतानवी मईशतदान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। कमेटी मजीद अरकान का तकर्रर कर सकेगी। खजाना डिवीजन खसूसी कमेटी के सेक्रेटेरिएट का किरदार अदा करेगा।
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ताजर सनतकार सब परेशान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने मुरमान कहते हैं महंगी बिजली और टैक्सेस के बायस कोई तबका खुश नहीं। वजीर आजम महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियां करें। आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट कौम अदा नहीं करेगी। पंजाब में सिर्फ 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट कम किया गया। पूरे मुल्क में मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में नुमाया कमी करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए हैं तो 14 रुपए भी 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। तो हम फिल फॉर पूरे मुल्क में एक जैसी बिजली की कीमत चाहते हैं। 14 रुपए जो पंजाब में बिलों पे कम किया गया है, वो 14 रुपए जो है पूरे पाकिस्तान पर में बिलों पे कम किया जाए। आईपीपीस मौजूदा मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म, इसे ना रोका गया तो खुदा ना खौस्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। रहनुमा एम के मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में मौशी सूरत हाल सबके सामने, पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। हम सड़कें ब्लॉक करके और लोगों को तकलीफ देकर हल नहीं बता रहे। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आईपीपीस लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं निकले। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। वजीर आजम पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करें। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। कोई पंजाब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और एमकेएम खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं। शरीफ खानदान के मंसूबे कमीशन से शुरू और कमीशन पर खत्म होते हैं। पंजाब में नाअहल और मैंडेट चोर टोले के मंसूबे नाकाम हो गए। बशीर इतलात खबर पख्तूनख्वा बरस्त सैफ का रद्दअमल, कहा अवामी मफाद के मंसूबे शुरू करना मैंडेट चोर सरकार के बस की बात नहीं। खबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही है। नौजवानों के लिए एहसास रोजगार की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट का फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म, महफूज फैसला जारी। वफाकी हुकूमत, वजारती इत्तला'आत और पीटीए का एक एक नुमाइंदा आइंदा समाअत पर तलब, हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम का केस, पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने अल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सदा की गई कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं, इनकी वापसी तक समाअत मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 19 अगस्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समाअत करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में 5 फरीकैन का चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पर एतराज शौकत बसरा, शौकत मिर्जा, सिमाबिया ताहिर ने जाती हैसियत में दायर किया। सरदार नासर अली खान और असाद अली खान भी तहरीरी एतराज करने वालों में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से पीटीआई और बानी चेयरमैन के मुकदमात से अलग होने की सदा। बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 माह के लिए मामूली कमी का इम्कान, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट 31 पैसे कमी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में नेप्रा को दी गई। नेप्रा सीपीपीए की दरख्वास्त पर 28 अगस्त को समाप्त करेगी। बिजली सार्फिन को सितम्बर में 4 अरब 50 करोड़ का रिलीफ मिलने का इम्कान। सानिया नौमई मुकदमात में बुशरा बीबी की तलबी और जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाप्त हुई। सिक्योरिटी खदशात के बाद सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का बुशरा बीबी को अदालत पेश करने से इनकार। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने एटीसी जज को लिखे खत में कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडियाला जेल में आज समाप्त मुमकिन नहीं। मुखला सफाई ने कहा, अदालती अहकाम के सामने सुप्रिटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। समाप्त अगले हफ्ते तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाप्त 21 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में मुबैना सहूलत कारी का इल्जाम, हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। जफर इकबाल ने फैमिली से मुलाकात में नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात का सिलसिला जारी। गवर्नर पंजाब की जानिब से अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर अरशद नदीम के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया, अरशद नदीम हमारे हीरो, उम्मीद है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। अरशद नदीम ने कहा अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क ने इज्जत दी, गवर्नर पंजाब और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। अरशद नदीम की इमरजेंसी अकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब में भी शिरकत। पिशावर में रोटी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मजीद 5 रुपए तक का इजाफा, डिप्टी कमिश्नर ने रोटी की कीमतों में इजाफे का ऐलानिया जारी कर दिया। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर, नई कीमतों का तायुन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। रोटी की कीमतों में इजाफा जुल्म है, शहरियों की दुहाई, कहा हुकूमत गरीबों से दो वक्त की रोटी भी छीनना चाहती है, रोटी की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। जब तक मौजूद हूँ किसी को यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन बेचने नहीं दूंगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का 2 टोक ऐलान, कहा सूबे की 26 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं, सूबाई हुकूमत ने 34 यूनिवर्सिटियों के लिए महज 3 अरब रुपए मुख्तस किए, बलोचिस्तान ने 5 अरब, सिंध ने 32 अरब और पंजाब ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए, जामियात के लिए 30 अरब फौरी रिलीज, पेंशन की फौरी अदायगी की जाए, सूबाई हुकूमत सब महकमों पर कट लगाए लेकिन बच्चों से तालीम की सहूलियात न छीने, सियासत और सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। वज़ीर आला सिंध की पोलियो वैक्सीन से इनकारी, वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, मुराद अली शाह ने कहा कि पोलियो जैसा मूजी मर्ज बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है, इंसदाद पोलियो मुहिम बम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल तआवुन करें, कतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, कराची के 85 यूनिट काउंसिल्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, शहर के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं, मुहिम में 11 लाख बच्चों में से कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। पंजाब पुलिस का सरहदी थानों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला, पंजाब पुलिस मोबाइल थर्मल टेलीस्कोप, थर्मल हैंडेड और जदीद नाइट विजन थर्मल खरीदेगी, करोड़ों रुपए मालियत के आलात से रात के वक्त पुलिस जवान दहशतगर्दों को दूर से देख सकेंगे, टेलीस्कोप गश्त वैन में और नाइट विजन थर्मल नौजवान के हेड कैप में नस्ब होगी, रहीम यार खान, राजनपुर, मियांवाली, डीजी खान, बखर, लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर असला को जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। कोयटा में सुरयाब रोड यूनिवर्सिटी चौक के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, धमाके से करीबी इमारत के शीशे भी टूट गए, 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा,